वेलकम एवरी वन, माई सेल्फ मुकेश व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉमा नामीटर कन्फिग्रेशन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास। इन कॉमा नामीटर कन्फिग्रेशन, बेस इज द इनपुट टर्मिनल, कलेक्टर इज द आउटपुट टर्मिनल। यानी इसके अंदर जो आधार होता है वो निवेशी टर्मिनल होता है और संग्राहक निर्गत टर्मिनल होता है। एंड अमीटर टर्मिनल इज कनेक्टेड एज ए कॉमन टर्मिनल फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स। यानी जो उत्सर्जक टर्मिनल होता है, अमीटर टर्मिनल, वो निवेशी और निर्गम परिपथ दोनों में उभयनिष्ठ टर्मिनल के रूप में जोड़ा जाता है। डेट मीन्स द बेस टर्मिनल एंड कॉमन अमीटर टर्मिनल आर नोन एज इनपुट टर्मिनल्स, वेयर एज द कलेक्टर टर्मिनल एंड कॉमन अमीटर टर्मिनल आर नोन एज आउटपुट टर्मिनल्स। यानी बेस और अमीटर टर्मिनल जो है वो मिलाकर इनपुट टर्मिनल होते हैं, और कलेक्टर और जो अमीटर टर्मिनल है वो मिला के आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं। इन कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन द अमीटर टर्मिनल इज ग्राउंडेड। यानी इसके अंदर जो उत्सर्जक टर्मिनल होता है वो भू संपर्कित होता है। सो द कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्राउंडेड अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास को भू संपर्कित उत्सर्जक विन्यास भी कहते हैं। द सप्लाई वोल्टेज बिटवीन बेस एंड अमीटर इज डिनोटेड बाई VBE, वाइल द सप्लाई वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड अमीटर इज डिनोटेड बाई VCE। यानी बेस और अमीटर के बीच जो वोल्टेज लगाते हैं उसको VBE से लिखते हैं, और जो कलेक्टर और अमीटर के बीच जो वोल्टेज लगाते हैं वो VCE होता है। एज इन एवरी कन्फिग्रेशन, प्रत्येक कन्फिग्रेशन में, अभिविन्यास में, द बेस अमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड और कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। यानी उत्सर्जक आधार संधि हमेशा अग्रबायसित रखते हैं और संग्राहक आधार संधि पश्च बायसित रखते हैं, जब उसका नॉर्मल ऑपरेशन होता है, सामान्य प्रचालन होता है। देयरफॉर इन कॉमन अमीटर कन्फिग्रेशन द बेस अमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। The common ammeter configuration for both NPN and PNP transistors is shown in given figure. यानी NPN transistor के लिए और PNP दोनों के लिए दिखाया गया है। ये है NPN, NPN ammeter N type का है, इसलिए उसको negative से जोड़ा, और base P type का इसलिए positive, तो ये हो जाएगा forward biased। इसी तरह collector N type का है इसलिए इसको positive से जोड़ा और ammeter को नेगेटिव से, इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसमें भी दो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। तो पहले इनपुट करैक्टरिस्टिक्स की बात करें। टू डिटरमाइन द इनपुट करैक्टरिस्टिक्स द आउटपुट वोल्टेज VCE यानी कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टता इज केप्ट कॉन्स्टेंट, इसको नियत रखते हैं। एंड कर्व्स आर ड्रॉन बिटवीन द इनपुट करंट IB एंड इनपुट वोल्टेज VBE। यानी आउटपुट वोल्टेज को कॉन्स्टेंट रखते हैं और इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच कर्व खींचे जाते हैं। द गिवन फिगर शोज द इनपुट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN जंक्शन ट्रांजिस्टर फॉर कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन, CE कॉन्फ़िगरेशन, CE विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए निवेशीय अभिलाक्षणिक है। From the curve we see that for a constant value of VCE, VCE के नियत मान के लिए, with increase in VBE, there is increase in base current IB। यानी VBE के मान में वृद्धि करें तो IB के मान में वृद्धि होती है। Also for a constant value of VBE, VBE का मान एक कोई सा भी निश्चित रख लें और VCE का मान बढ़ाते जाएं, 0, 1, 2, 5 जैसे यहाँ बता रखा है। With increase in VCE, the width of base region reduces। VCE के मान में वृद्धि करेंगे तो base region छोटा होता जाएगा। And hence the base current IB obtained from recombination is decreased। तो यानी वहाँ जो इलेक्ट्रॉन और होल का recombination होता है उसके मान में कमी हो जाएगी, क्योंकि base region छोटा हो जाएगा तो base current का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं VCE का मान बढ़ता जा रहा है तो base current कम होता जा रहा है। फॉर पर्टिकुलर VBE का मान देखें तो VCE के बढ़ने के साथ
current come up. We also see that the current start increasing from zero at a particular value of voltage VBE called cut-in voltage or threshold voltage of the junction transistor. यानी VBE के एक पर्टिकुलर मान पर करंट बढ़ना स्टार्ट होता है, तो वो जो पर्टिकुलर वोल्टेज है जहाँ करंट बढ़ना स्टार्ट होता है उसे कट इन वोल्टेज या थ्रीशोल्ड वोल्टेज कहते हैं. फॉर पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर द इनपुट करेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड सिमिलर टू द गिवन फिगर. जिस प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर के हैं उसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर के भी लाक्षणिक प्राप्त होते हैं. दीज करेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू डेट ऑफ ए फॉरवर्ड बायस्ड सेमीकंडक्टर डायोड. यानी ये अग्र बायसित अर्धचालक डायोड के अनुरूप है बिल्कुल. द डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज गिवन बाय, इसका ये VCE कांस्टेंट ले लें कोई सा भी और इसका एक पॉइंट ले लें, वहाँ एक स्लोप लें, ढाल लें, उस ढाल का अगर रेसिप्रोकल करें, उल्टा करें, डेल VBE अपॉन डेल IB, तो ये इसका हो जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस, निवेशी प्रतिरोध. अब ये जो रेजिस्टेंस होता है, जो कॉमन बेस का जो रेजिस्टेंस होता है जो कि बहुत कम होता है, उसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, यानी मिडिल वैल्यू, मध्यमान होता है इसका. नाउ आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स. द कर्व्स ड्राउन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VCE एंड आउटपुट करंट IC कीपिंग इनपुट करंट IB टू बी कॉन्स्टेंट आर नॉन टू बी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स. यानी इसमें इनपुट करंट को कांस्टेंट रखते हैं और आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच जो कर्व खींचते हैं वो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स यानी निर्गम अभिलाक्षणिक कहलाते हैं. द गिवन फिगर शोज द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन. यानी CE विन्यास के लिए एनपीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर के आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स इसमें दर्शाए गए हैं. यहाँ हम देखते हैं कि IB के अलग अलग मानों के लिए VCE और IC के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार कर्व प्राप्त होते हैं. द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स एज फॉलोज. ये जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको तीन क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सेचुरेशन रीजन, सक्रिय क्षेत्र, अंतक क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र. Now, what is active region? It is the normal operating region of the transistor. Yes, transistor का सामान्य प्रचालन क्षेत्र होता है. When it is used as an amplifier, जब इसका उपयोग प्रवर्धक की तरह करते हैं. प्रवर्धक का क्या काम है? किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना. हम प्रत्यावर्ती संकेत इनपुट में देते हैं और आउटपुट में भी प्रत्यावर्ती संकेत मिलता है, लेकिन वो एम्पलीफाई होके मिलता है, प्रवर्धित होके मिलता है. इन दिस रीजन द सिग्नल इज एम्पलीफाइड विद द मिनिमम डिस्टोर्शन. यानी इस क्षेत्र में जो संकेत होता है न्यूनतम विरूपण के साथ प्रवर्धित होता है. इन एक्टिव रीजन द एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड. यानी जब पहले हम देख चुके हैं कि एम्पलीफायर की तरह जब इसका उपयोग करते हैं तो उत्सर्जक आधार संधि तो अग्र बायसित होती है और संग्राहक आधार संधि पश्च बायसित होती है. इन दिस रीजन VCE is greater than some tenths volt. यानी VCE का मान कुछ दशांश वोल्ट से ज़्यादा होता है और IB का मान जीरो से ज़्यादा होता है. The curves of IBs obtained in active region are not parallel to the axis, unlike the curves of IEs in the CB configuration. जिस प्रकार CB configuration में IE के जो अलग अलग कर्व थे वो तो parallel थे, लेकिन common ammeter configuration में जो IB के अलग अलग वक्र हैं वो एक्सिस के पैरेलल नहीं है. वी शोज दैट देयर इज एन इफेक्ट ऑफ VCE ऑन IC. यानी ये क्या शो करता है? VCE का मान का IC पर प्रभाव पड़ता है. यानी VCE का मान बढ़ाएंगे तो IC भी थोड़ा बढ़ता है. फॉर लो वैल्यू ऑफ IB के कम मान के लिए, इफ द इंटरवल ऑफ इंक्रीज इन बेस करंट IB इज सेम. यदि आधार धारा में वृद्धि का अंतराल समान है, देन द आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व्स इन एक्टिव रीजन आर पैरेलल टू ईच अदर. यानी जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व्स होंगे वो एक दूसरे के समांतर होंगे एंड आल्सो लोकेटेड एट द सेम इंटरवल, तथा समान अंतराल पर स्थित होंगे. हम चित्र से देख सकते हैं
Now, cutoff region, antak shetra. In this region, both collector base junction and ammeter base junction are reverse biased. जिस प्रकार हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखा था, इसमें भी संग्राहक आधार संधि और उत्सर्जक आधार संधि दोनों पक्ष बायसित होते हैं. फॉर सीई कॉन्फ़िगरेशन द कट ऑफ रीजन इज नॉट ऑब्जर्व क्लियरली, यानी सीई कॉन्फ़िगरेशन में जो अंतक क्षेत्र होता है वो अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होता. बिकॉज वेन आई बी इक्वल टू जीरो, आई बी का मान जब जीरो करते हैं, देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ आई सी इज नॉट ऑब्टेन टू बी जीरो, तो भी आई सी का मान शून्य प्राप्त नहीं होता है. तो IC का मान शून्य प्राप्त होगा लगभग, तभी हम वो मानेंगे वो कट ऑफ रीजन है. Therefore, to obtain the कट ऑफ रीजन द ammeter बेस्ड जंक्शन इज स्लाइटली reversed biased. यानी कट ऑफ रीजन प्राप्त करने के लिए जो उत्सर्जक आधार संधि उसको थोड़ा सा पश्च बायसित करते हैं ताकि IB का मान जीरो से कम हो जाए, दूसरी दिशा में हो जाए. फॉर ए जर्मेनियम ट्रांजिस्टर द रिवर्स बायस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के आसपास होता है पश्च बायस, और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए लगभग जीरो के आसपास होता है. सेचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र. इन दिस रीजन बोथ अमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, यानी दोनों ही अग्र बायसित होते हैं. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी सेम यही होता है. टू ऑब्टेन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड करना है, क्योंकि कलेक्टर और बेस किसी बैटरी से जुड़े हुए नहीं है. कलेक्टर अमीटर से जुड़ा हुआ है और बेस भी अमीटर से जुड़ा हुआ है, तो कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है. तो द वोल्टेज वी सी ई इज केप्ट लोअर देन द वोल्टेज वी बी ई, यानी वी सी ई का मान अगर वी बी ई से कम कर दें तो कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा. बिकॉज बोथ द टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली विथ ए बैटरी, क्योंकि दोनों ही टर्मिनल सीधे ही किसी बैटरी से जुड़े हुए नहीं है. तो सी पर कम वोल्टता हो जाएगी और बी पर ज़्यादा वोल्टता हो जाएगी, तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा. इन दिस रीजन द आउटपुट करंट आई सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनपुट करंट आई बी, यानी जो निर्गत धारा आई सी होती है, जो कलेक्टर करंट आई सी होता है, वो निवेशी धारा आधार धारा आई बी पर निर्भर नहीं करता. विथ ए स्लाइट चेंज इन वी सी ई, यानी वी सी ई का मान थोड़ा सा परिवर्तित करें, देर इज रैपिड चेंज इन आई सी, तो IC के मान में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है. अब उन्हीं वक्रों में से कोई IB का एक वक्र लें, कर्व लें, उससे हम ये रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं. द डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज गिवन बाय, IB कांस्टेंट लें तो एक्टिव रीजन में उस कर्व का जो स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल करें तो डेल VCE अपॉन डेल IC, विच इज स्मॉलर देन डेट ऑफ CB कॉन्फ़िगरेशन. तो जो उभयनिष्ठ आधार विन्यास है उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसकी तुलना में कम होता है. तो यहाँ हम देखें कि सीबी कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन सीई कॉन्फ़िगरेशन में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है. इसलिए और इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस सीबी कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज़्यादा होता है और इसमें उससे कम होता है. करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, धारा प्रवर्धन गुणांक. इन कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए जंक्शन ट्रांजिस्टर एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर अमीटर वोल्टेज VCE, यानी VCE के नियत मान के लिए द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट IC टू बेस करंट IB, यानी जो आउटपुट करंट है IC और जो इनपुट करंट है IB, उनका रेशियो लें, अनुपात लें, तो वो होता है DC करंट गेन, दिष्ट धारा लाभ, और स्थैतिक धारा प्रवर्धन गुणांक, स्टैटिक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. इट इज डेजिग्नेटेड एज बीटा DC. कॉमन बेस में हमने ये देखा था कि IC और IE का अनुपात लेते हैं और उसको अल्फा DC से लिखते हैं. यहाँ बीटा लिया है हमने, तो बीटा DC इज इक्वल टू IC अपॉन IB. अब IC की तुलना में IB का मान बहुत कम होता है, जिसका मान 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है. इन एक्टिव रीजन द वैल्यू ऑफ IC इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू द वैल्यू ऑफ IB एट ए पॉइंट ऑफ द करेक्टरिस्टिक कर्व, यानी अभिलाक्षणिक वक्र के किसी बिंदु पर IB के मान की तुलना में IC का मान बहुत ज़्यादा होता है. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बीटा DC इज वेरी लार्ज. अब हम डायनेमिक स्टेट में देखें. फॉर डायनेमिक स्टेट, गतिक अवस्था में, इफ विद द वेरिएशन इन इनपुट करंट डेल IB देर इज ए वेरिएशन इन आउटपुट करंट डेल IC, देन द रेशियो ऑफ डेल IC एंड डेल IB इज नॉन एज डायनेमिक करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और AC करंट गेन. यानी आधार धारा में परिवर्तन अगर डेल IB है और उससे संबंधित संग्राहक धारा में परिवर्तन डेल IC है, तो इनका जो रेशियो होगा
उसको गतिक धारा प्रवर्धन गुणांक या प्रत्यावर्ती धारा लाभ कहते हैं, इसको बीटा एसी से लिखते हैं। तो इसमें भी बीटा एसी का मान बहुत ज्यादा होता है, जिस प्रकार बीटा डीसी का मान होता है। नाउ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो है डीसी करंट गेन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमने लिया था, और बीटा है डीसी करंट गेन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो फॉर ए जंक्शन ट्रांजिस्टर, संधि ट्रांजिस्टर के लिए आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये होता ही है, आई सी से डिवाइड कर दो। अब आई सी अपॉन आई ई एल्फा डी सी होता है और आई सी अपॉन आई बी बीटा डी सी होता है। अब इधर बीटा डी सी एल सी एम ले लें तो 1 प्लस बीटा डी सी अपॉन बीटा डी सी आ जाएगा। फिर इसी प्रोकल कर लें तो एल्फा डी सी इज इक्वल टू ये। तो अगर बीटा का मान दिया हुआ है, एल्फा ज्ञात करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और उल्टा हो, अगर एल्फा का मान दिया है तो हम क्या करेंगे, 1 को इधर ले जाएंगे माइनस 1। अब एल सी एम ले लेंगे तो 1 माइनस एल्फा डी सी अपॉन एल्फा डी सी, अब इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो बीटा डी सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा। सिंस द वैल्यू ऑफ एल्फा डी सी इज क्लोज टू 1, यानी 1 के निकट होता है एल्फा डी सी का मान और 1 से कम होता है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बीटा डी सी इज वेरी लार्ज, यानी बीटा डी सी का मान बहुत ज्यादा होता है। नाउ फॉर ए जंक्शन ट्रांजिस्टर, संधि ट्रांजिस्टर के लिए आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, बट आई सी इज इक्वल टू एल्फा डी सी आई ई प्लस आई सी ओ, ये हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में देखा था। ये जो करंट है कलेक्टर करंट, ये वो जो चार्ज कैरियर्स हैं जो अमीटर से निकलते हैं और बेस में से होते हुए कलेक्टर में पहुंचते हैं, तो उसके कारण जो करंट होता है वो ये है। और आई सी ओ जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं कलेक्टर और बेस के अंदर, उसके कारण जो करंट होता है वो आई सी ओ होता है। तो IC का मान यहां IE का मान रख दें IB प्लस IC, क्योंकि हमारा आउटपुट करंट IC है और इनपुट करंट IB है, तो IE को हम यहां एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग, अब IC वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, IC कॉमन ले लिया, अब 1 माइनस अल्फा DC से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब जो एल्फा डी सी अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी होता है बीटा डी सी होता है, तो वो रख देंगे आगे। इन सीई कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए जंक्शन ट्रांजिस्टर इट इज फाउंड डेट व्हेन द बेस टर्मिनल इज ओपन, जब बेस टर्मिनल ओपन होता है, यानी उसको अमीटर से कोई जोड़ते नहीं है, कोई बैटरी नहीं लगाते, ओपन होता है, एंड कलेक्टर इज बायस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू अमीटर, और कलेक्टर को अमीटर की तुलना में अपोजिटली बायस्ड करते हैं। जैसे ये है NPN ट्रांजिस्टर, तो N को पॉजिटिव से जोड़ा और इसको नेगेटिव से जोड़ा। देन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल करंट फ्लोज टुवर्ड्स द अमीटर, तो अमीटर की ओर एक अत्यंत सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है। दिस करंट इज नाउन एज कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट, यह जो धारा है संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा कहलाती है। इट इज डेजिग्नेटेड एज ICEO, इसको ICEO से लिखते हैं, और इट इज डेजिग्नेटेड एज ICEO, इसको ICEO से लिखते हैं, यानी करंट कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट विथ बेस एज ओपन सर्किटेड, यानी कलेक्टर से अमीटर में बहने वाली धारा और बेस को ओपन सर्किटेड करते हैं, खुले परिपथ में रखते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग आई बी इक्वल टू जीरो इन अबाउ इक्वेशन, जो ऊपर की इक्वेशन थी उसमें आई बी इक्वल टू जीरो रख दें तो वी गेट आई सी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये भी अब हमने देखा है वो कौन सी करंट होती है, आई सी ई ओ। देयरफॉर इन सी ई कॉन्फ़िगरेशन फॉर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उस करंट की जगह हम आई सी ई ओ रख दें, और एल्फा डी सी अपॉन 1 माइनस एल्फा डी सी बीटा डी सी होता है, तो यहाँ ये इक्वेशन हो जाएगी। तो कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये इक्वेशन हो जाएगी, IC इज इक्वल टू बीटा DC IB प्लस ICEO, यहाँ इनपुट करंट IB है और आउटपुट करंट IC है। लेकिन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, IC आउटपुट करंट था और IE इनपुट करंट था, तो वहाँ ये रेशियो या ये संबंध था, रिलेशन था। और ICBO को हम ICO भी लिख सकते हैं, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन अमीटर इज ओपन सर्किटेड, और सिंपली ICO भी लिखते हैं।
थैंक यू।